बढ़िया होंगे और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं 9 बजे से कर रही हूँ। आज पहाड़ी बाखली के साथ मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रखी है। ये हमारा घर है, ये हमारा पुराना वाला है। हेलो दोस्तों, अब मैं खाना खा के सोंग काटने के लिए गई हूँ। ये अनीता है, अनीता और मैं पेड़ से काट रहे हैं सोंग, और ये लोग नीचे से समेट रहे हैं। ये वाला मैंने काटा, ये देखो 4-5 जने लोग समेट रहे हैं। ये लकड़ी बना रही है अपने लिए, ये नेपाल से यहाँ काम करने के लिए आ रखी हैं, तो हमारे साथ लकड़ियों के लिए आई हुई है। जो हमने सोंग के लकड़ियाँ बना रखी थी वो उनको ले जा रही है। देखो अब तो काम ही बचे हैं सोंग अभी। अब नई वाले पत्ती होने लग गई, ये पुरानी वाली है। ये देखो दोस्तों, पहाड़ में ऐसे मिल बांट के काम किया जाता है। ये देखो इसने अपने लिए इतनी बड़ी लकड़ी की गठरी बना दी। ये देखो देवी, कुछ कहना चाहती हो? ये बोल रही है कि कहीं भी काम हो तो मुझे बोलना, मैं करूंगी करके। देखो दोस्तों ये इतना ये वाले पेड़ से काटा हमने, ये देखो बिल्कुल जोरदार से काम कर रहे हैं। आज की मौसम की बात करें तो इतना सुहाना मौसम लग रहा है। सुबह के 9:30 बजे हैं अभी। अब धूप भी आजकल जल्दी धूप लग जाती है। 10 बजे गड़ियो है ज्ञान सुन हो, आप घर ही जानो आप। ग्यारह बजे के बाद तो बहुत सारी धूप, ये देखो कैसी जा रही है देवी। ये मेरा है सोंग और ये अपने रख रही है। देखो दोस्तों अनीता ने इतना इकट्ठा कर दिया अपने लिए, जहाँ से हमारा गांव का बीज दिख रहा है। देखो देखो दोस्तों यहाँ से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। ये देखो देखो दोस्तों, एक पत्ती का भी बर्बाद नहीं कर रहे हैं, सब समेट रही हैं ये। देखो गांव का खूबसूरत नजारा। दोस्तों अब हम घर को जाने लग गए।
यहाँ पे सेमजू का मंदिर आपने पिछले ब्लॉग पे देखा होगा, यहाँ पे है देखो। गांव का मिलजुल के काम करने में बहुत अच्छा लगता है गांव में। देखो दगड़ियों आ गई हम, सोंगन बिटिया आ गया हम, ये सुग्रान सोंग हमारे, ये देखो ये हमारा बात हुआ दोस्तों। अब मैं गेहूं की चुटाई करते हैं। अब देखो गेहूं को पहाड़ी भाषा में बोलते हैं खाओ में खितनिया गेहूं का, अब चुटन हुई निका थोड़ा देर धूप में रख लूँ, 12 बजे बेटी गेहूँ चुटाई शुरू करन। ये देखो पहाड़ दोस्तों हमारी बाखली को, देखो ये हमारा घर है। ये आजकल धूप लगती है तो भैंस को हमने गोट में बांध दिया दोस्तों। अब गर्मी का मौसम आने लग गया, बहुत गर्मी होने लगड़ियो। ये हमारा अंगूरा बोट बेल छुदा, अब जिठा मैं अंगूर लगाल। ये मेरे सासू माँ हन खाना बड़ा भी उनान मेला खाना पकौन नहाती, तो मैं गेहूँ चुटन वाले थोड़ी देर में। ये देखो ये मेरी चाची है, इन्होंने अपने अपने खाओ में डाल दिया गेहूं को। अब मैं भी लाती हूँ अपने गेहूं, अभी बकरियां भी नहीं आ रखी हैं ग्वाला से। देखो ये देखो जो बकरियां ग्वाला गई हैं उनके बच्चे यहाँ पे सो रखे हैं, दो एक के हैं, दो एक के। ये देखो वो छाया में बिल्कुल दोस्तों, ये गेहूं सुखाने के लिए लगा रखे हैं खेत में और अच्छे से सूखते हैं। ये गेहूं काट दिया हमने, देखो दिन के 12 बज चुके हैं अभी, 12 बजे का नज़ारा। अब गेहूं सारे पकने लग गए धीरे धीरे करके। ये देखो ये चाची अपने गेहूं को इकट्ठा कर रहे हैं, इनकी ये अकेले रहते हैं, इनकी इनके बहू और बेटा घर इनके मतलब अभी घर पे नहीं है तो ये अकेले हैं अभी घर पे। ये देखो दोस्तों ये मेरा है गेहूं, ये मैं चू अभी और छत में है। ये देखो ये चूटने लग गए। देखो दोस्तों पहाड़ी पहाड़ में ऐसे गेहूं को चूटते हैं ये। ये देखो दोस्तों मैं भी अब चूट अपने गेहूं चूटने लग गई हूँ। दिन के 12 बज चुके हैं अभी, अच्छी खासी धूप खिली हुई है। ये देखो
इस बार फसल अच्छी नहीं हो रखी है, तो गेहूं भी उतने अच्छे नहीं है। ये देखो दोस्तों, अब सासू माँ भी आ गई गेहूं चूटने के लिए। ये देखो हमने गेहूं की चुटाई कर दी, इकट्ठा कर दिया। अब दोस्तों अब बकरियां भी आ चुकी हैं ग्वाला से। ये देखो मट्ठा पी रही है हमारी बकरियां। ये देखो ये ससुर जी ग्वाला गए थे आज। ये देखो इनको, दोस्तों ये है हमारे गेहूं। ये देखो देखो हमारे गेहूं साफ होने लग गई। दोस्तों अब खाना खा के सो गए थोड़ी देर, उसके बाद चाय पी। तो आप गेहूं काटने के लिए आ चुके हैं, अभी बजे हैं 4। ये हमारा गेहूं का खेत है, ये इसमें से गेहूं काटने हैं। ऐसे फसल हो रखी है इस बार हमारे यहाँ, बारिश नहीं हुई तो फसल उतनी अच्छी नहीं हुई। ये मेरी दराती है, ये देखो हमारे गेहूं की बालियां कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो ऐसी बाली हो रखी है। ये हमारा गांव है, इसी के साथ मैं अपनी ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट।